हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और आज हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं अपने किचन में। देखिए, कढ़ाई रखी है, इसमें हमने सौंफ रखा है, डाला हुआ है भूनने के लिए, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और धनिया। तीन चीज आप डालिए, सौंफ डालिए, धनिया डालिए और जीरा डालिए थोड़ा, और गैस को स्लो आंच पे करके उसको भूनिए, जिससे मसाला जले नहीं, धीमी आंच में आराम से भुन जाएगा और मसाला भी जलेगा नहीं, अच्छी तरह से हो जाएगा। कम से कम 5-10 मिनट तो लगेगा ही भूनने में। और फ्रेंड्स बताइए, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। इस समय तो गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी की सुबह से ही स्टार्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स। पहले रहता था इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, इसके पहले भी मई में ही इतनी गर्मी नहीं जितनी अब होने लगी है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें सौंफ पड़ा हुआ है, जीरा पड़ा हुआ है और धनिया है। देख लीजिए, आप लोग तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये तीन चीज़ आप लोग लेके भूनिएगा और गैस को स्लो आँच पे रखिएगा, जिससे मसाला जले नहीं और धीमी आंच पे बढ़िया से भुन जाएगा फ्रेंड्स। तो हम कह रहे थे फ्रेंड्स कि इस समय गर्मी बहुत हो रही है और सुबह से स्टार्टिंग गर्मी की हो जाती है। आज तो सुबह से ही गर्मी लग रही है, जब हम किचन में आए हैं बनाने के लिए तभी से पसीना हल्का हल्का बाल बाल से पसीना आने लगा। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करिएगा, और आप यहाँ कैसी गर्मी हो रही है ये भी बताइएगा। यहाँ पे तो बहुत हो रही है, ये समझ लीजिए सुबह से स्टार्टिंग होती है और टेम्परेचर धीरे 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 1 बजे से 12 बजे के बाद 1 बजे से बढ़ने लगता है, और ये समझिए 10-11 बजे तक, रात में 12 बजे तक बढ़ता रहता है। 12 बजे के बाद धीरे धीरे चाहे 3-4 बजे से नॉर्मल होता होगा रात में फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने जार में मसाले को निकाल लिया, अब ये ठंडा हो जाएगा तब हम पीसेंगे। एक प्याज है, ये देखिए फ्रेंड्स, एक प्याज में आप 2 टुकड़ा करिएगा, आधा छील लीजिए, आधा काट लीजिएगा और आधा घिस लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा हमने काटा है और आधा घिसा हुआ है। अगर हम पूरा घिसते हैं तो गीला हो जाएगा मसाला। और ये देखिए फ्रेंड्स, और काटेंगे भी और घिसेंगे भी, दोनों करेंगे तो मसाला गीला नहीं होगा कि भरने में दिक्कत होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भुना हुआ मसाला है और ये घर का मसाला है, देखिए। और फ्रेंड्स ये देखिए कुछ कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग, ये भुना हुआ मसाला है, ये घर का मसाला है और बगल में उसके पैकेट का, और हल्दी, ये देखिए, ये 4 मसाले हमने डाले हैं। और ये प्याज देखिए, आधा कटा हुआ है और आधा घिसा हुआ है। ये करेला है, करेले को अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो हम इसको छील लीजिए, और अगर नहीं है, जैसे बच्चे अगर आप यहाँ अगर नहीं खाते हैं तो इसको छील लीजिए, कड़वापन खत्म हो जाएगा। थोड़े बड़े बच्चे हैं खाने के लिए, अगर 13-14 साल के, तो इनके लिए अगर बनाना है, इनको भी खाने के लिए, तो आप इसको छील के तब बनाइएगा। और हमारे यहाँ तो 2 ही लोग, हम और आंसू के पापा खाते हैं, आंसू तो खाता नहीं है, तो इसलिए इसको हम बिना छीले बनाएंगे, हम लोगों को अच्छा लगता है। अब इसका बीज हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा बीज निकाल, करेले से बीज हमने निकाल लिया है। बीज निकालते हुए टाइम लगता है, देखिए आशु क्या कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, दिन भर खाना पीना, दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता है।
अब ये चना भिगोया हुआ है तो उसको धुल रहा है, उसमें पता नहीं क्या नमक उमक डाल के और खाएगा। ये देखिए नमक का डिब्बा भी उठा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो करेला बीज निकाला था वो बीज है, मसाला है और ये प्याज है। हम एक में मिक्स करेंगे प्याज, करेले के बीज को हमने देखिए मसाले में मिला लिया। और प्याज को भी मिला लेंगे। ये देखिए जो हमने काटा हुआ प्याज था और घिसा हुआ दोनों मिला लिया। अब ये मसाले को मिला लेंगे, मसाला और करेले के बीज को। इसके बाद हम फ्रेंड्स मिलाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा एक चम्मच नमक मिलाएंगे, जितनी स्वाद अनुसार एक चम्मच नमक। अब इसको जब हम भरेंगे फ्रेंड्स ना, तो बिल्कुल करेला जो है वो भारी नहीं होगा। कि मसाला बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोगों को क्या कहा जाता है कि खसर खसर कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आसू नमक का डिब्बा ले गया था ना, तो एक चम्मच नमक थोड़ा हमको कम लग रहा था फ्रेंड्स, तो हमने बाद में जरा सा और डाला था। ये देखिए हम मिलाने के बाद इसमें हम करेले, इससे मसाले से करेले को भरेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, करेला जो भरवा करेला होता है उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि काफ़ी देर में करेला होता है ना फ्रेंड्स, टाइम लगता है ना, तो इसलिए। अगर बैगन होता तो थोड़ा कम तेल लगता, जल्दी हो जाता है बैगन ना, लेकिन करेले में टाइम लगता है फ्रेंड्स उसको होने में, तो इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये देखिए हमने इतना तेल डाला है। अब करेले को हम डालेंगे फ्रेंड्स, आपको वहीं बगल में रखा हुआ है लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाए। ये पलटे में तेल लगा हुआ है ना, तो हमने रखा तो वहाँ चूने लगा था। ये देखिए ऐसे हम करेंगे तो सब में तेल लग जाएगा। ये देखिए इतना करेला हमारे पास है कि कढ़ाई जो हमारी लगभग भर जाएगी। ये देखिए इसको अभी हम ढक देंगे तो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, मुलायम होने के बाद फिर गलेगा, अभी तो नहीं गलने वाला। हाँ तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ना, पहले कढ़ाई गर्म होगी, फिर बर्तन गर्म होने के बाद फिर करेला है, ये थोड़ा सा वो होगा, फिर धीरे धीरे होगा। एक फ्रेंड्स एक काम करिएगा आप लोग, करेले की जो गैस का जो फ्लेम है, आँच जो है उसकी स्लो रखिएगा। और ये फ्रेंड्स देखिए हम जा रहे हैं आलू और चने की सब्जी बनाने, हम लोग इसको छोला भी कहते हैं। और वैसे तो आलू और चने की सब्जी कही जाती है। इसमें हमने तेल डाला और ये देखिए फ्रेंड्स हमने काली मिर्च ये देखिए डाला है। अब इसमें लौंग डालेंगे, चार लौंग तो पड़ेगा लेकिन अभी हमने देखिए ये दो लौंग डाला है, लौंग भी अच्छा नहीं निकल रहा। खाना बनाइए तो बिल्कुल पसीना से भीग जाना पड़ता है, पहले रहता था तो शाम को ही दिक्कत होती थी, अब दिन सुबह के टाइम ही। जीरा ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा डाल देंगे। और हमारे पास बड़ी इलायची नहीं तो हम छोटी इलायची डालेंगे, इलायची होनी चाहिए फ्रेंड्स चाहे छोटी हो या बड़ी हो। और फ्रेंड्स आप बताइए आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे। और इस समय गर्मी तो बहुत पड़ रही है, आपके यहाँ भी हो रही होगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दो इलायची लिया है, ये देखिए और इसको छील लिए जिससे सारा स्वाद टेस्ट आ जाए इसका। कुछ लौंग कम था तो हमने एक आध और डाल दिया। खड़े मसाले डालिए जब आप आलू और उसकी सब्जी बनाइए चने की, और हींग डालिए जरूर, हींग डालने के बाद
अब जो खड़ा मसाला है इसका पन्नी वन्नी फ्रेंड्स हम रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हरा मिर्चा डाला और लहसुन डाला और फ्रेंड्स ये एक प्याज है। अब एक प्याज को ये देखिए हमने डाल दिया। अब इसको भूनेंगे, ज़्यादा मत भूनिएगा, किरड़ कर दीजिए, हल्का भूनिए 5 मिनट। हाँ देखिए फ्रेंड्स, एक दो बार हम इसको वो करेंगे, थोड़ा 5 मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा सा मुलायम होगा प्याज बस। इसके बाद मसाला डालेंगे और एक टमाटर डालेंगे। चना हमने धुल लिया फ्रेंड्स, ये देखिए एक टमाटर लाए, एक टमाटर डालेंगे, पहले मसाला डालेंगे। इतनी देर में फ्रेंड्स मसाला जो है वो प्याज जो है वो हो चुका होगा। थोड़ा प्याज होते टाइम लगता है ना, लेकिन ज्यादा लाल मत, रेड मत करिएगा प्याज को। अब ये देखिए हम मसाला डाल रहे हैं, इसमें एक चम्मच हमने घर का मसाला लिया, एक चम्मच पैकेट का मसाला, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच हमने नमक लिया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे फ्रेंड्स तो गल जाएगा और मसाला जो है वो भी ढंग से हो जाएगा, पक जाएगा। ये देखिए थोड़ा टमाटर वाटर होने में टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट तो लगेगा गलने में। अब ये भून जाए, जब गल जाएगा तब हम इसमें चना डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा हम कुक कर दे रहे हैं जिससे गल जाए, सीटी हटा के जल्दी हो जाएगा वरना टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, उधर करेला हो चुका है। अब देखिए कपड़ा लेके हम क्या कर रहे हैं, हाँ तेल जो है ना बीच में, इसको आप चारों तरफ कढ़ाई को घुमा दीजिए तो इससे मतलब सब तरफ तेल जो है वो करेले में लग जाएगा, वरना बीच में ही लगा रहता है। हाँ अच्छी तरह से उसको गर्म है ना, तो जो किचन का पोछा होता है उससे आप कढ़ाई को पकड़ लीजिए और चारों तरफ घुमा दीजिए। ये देखिए करेला कैसा हो गया, कितनी अच्छी तरह से हो चुका करेला फ्रेंड्स। और ये देखिए आलू और चने की सब्जी है मेरी, ये देखिए फ्रेंड्स। ये कलौंजी है, और फ्रेंड्स अगर हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। भरवा का जो है करेला, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए खाना हमने निकाल दिया है, आपको कैसा लगा देखने में? और अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए।